ख्वातीन व हजरात, इंसानियत की अजीम तरीन इजादात में से एक की इब्तिदा के एक दिलचस्प सफर में खुश आमदीद। कागज। हमारा एडवेंचर हमें वापस कदीम चीन में ले जाता है, जहां एक काबिल जिक्र तब्दीली सामने आई। 200 कब्ल मसीह के करीब हान खानदान के दौरान सियाए लुंग नामी एक जहीन अदालती अहलकार ने बड़े पैमाने पर कागज तैयार करने का राज खोल दिया। छाल और चीथड़ों जैसे पौधों के रेशों का इस्तेमाल करते हुए सियाए लुन ने एक बारीक गूदा बनाया जो इंसानी तारीख के धारे को हमेशा के लिए बदल देगा। महतात महारत के साथ इस गूदा को फैलाया गया, खुश्क किया गया और हमवार किया गया, जिसके नतीजे में कागज की पुतली हल्की फुल्की चादरें बन गई। कागज तेजी से चीन से बाहर फैल गया, सकाफती इनकलाब को हुआ दी और तफरी की दुनिया को बदल दिया। किताबें, दुमा और मखतूतात फले फूले, जो तमाम बड़े आजमों में एडवेंचर, रोमांस और इल्म की कहानियां लेकर चली गई। ड्रामा निगारों, शायरों और कहानीकारों को इस वर्सटाइल मीडियम में तहरीक मिलती है, जो सामईन को अपनी तखयलाती तखलीकात से मशहूर करते हैं। जैसे जैसे कागज ने दुनिया भर में सफर किया, ये सकाफती तबादले जबानों को पाल करने और मुश्तरक कहानियों के जरिए लोगों को जोड़ने का एक जरिया बन गया। कागज की रसाई और नकल पजीरी ने थिएटरों के उरूज को काबिल बनाया, जहां शायखीन को दिलफरेब ड्रामों और ड्रामों की परफॉर्मेंस से मशहूर किया गया। आज जब आप कोई किताब पकड़ते हैं या किसी कहानी में गर्क होते हैं, तो कदीम चीन में पैदा होने वाली कागज की नाकाबिल यकीन मीरास को याद करें। लिहाजा इस तफरी और जादू को गिले लगाएं जो कागज हमारी जिंदगियों में लाया है। इसकी इब्तिदा का जश्न मनाएं, क्योंकि इस आजिजाना ईजाद के जरिए ही कहानियां सुनाई गई हैं, ख्वाब जिंदा हुए हैं और तफरी की दुनिया हमारे दिल और दिमाग को मशहूर कर रही है।